जिस उम्र में लोग अपने पोते और पोतियों को खिलाते हैं, उस उम्र में पानीपत के गांव उगराखेड़ी के वीरेंद्र मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। पानीपत के गांव उगराखेड़ी के वीरेंद्र मलिक ने 68 साल की उम्र में मेडल जीतकर सबको हैरानी में डाल दिया है, जिसके बाद उनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। पंचकुला के देवीलाल स्टेडियम में चल रही 7 से 11 फरवरी तक ऑल इंडिया मास्टर एथलीट प्रतियोगिता में उगराखेड़ी गांव के वीरेंद्र मलिक ने 3 मेडल जीते हैं। खेलों में मेरा इंटरेस्ट अपने बुजुर्गों को देख करके हुआ। मेरे पिताजी भी खिलाड़ी रहे हैं और जब मैं उनको खेलते हुए देखता था तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा। मैंने 1972 में हरियाणा का सीजन नेशनल चैंपियनशिप कबड्डी में रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद 5 बार मैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वॉलीबॉल में हरियाणा कप कर चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने एथलेटिक्स की तरफ ध्यान दिया। कई साल पहले वीरेंद्र मलिक को हार्ट अटैक आया था तो डॉक्टरों ने कहा था कि खेल मैदान से दूरी बनाए, लेकिन खेल प्रेम ने मैदान से दूरी नहीं बनने दी। वीरेंद्र मलिक ने बताया कि वो सरकारी सेवा से रिटायर हैं और पानीपत के खेल शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं। बचपन से ही वीरेंद्र की खेलों के प्रति काफी रुचि है, यहाँ तक कि रिटायर होने के बाद भी उनमें खेलों को लेकर जुनून है, इसलिए वीरेंद्र मलिक विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं। बीच में मेरे को हार्ट प्रॉब्लम भी आई, अटैक हुआ, हृदयघात भी सहा मैंने, डॉक्टरों ने मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने अभ्यास जारी रखा और यही कारण है कि मैं पिछले 5 वर्षों से एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों में कोई ना कोई पदक प्राप्त करता रहता। मेहनत कर बीमारी को मात देकर वीरेंद्र मलिक एक बार ही नहीं बल्कि लगातार 5 बार ऑल इंडिया मास्टर एथलेटिक विजेता चैंपियन बने। आज वो हर किसी युवा के लिए प्रेरणा बने हुए हैं और आज हर कोई उनके हौसलों को सलाम करता है।